अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद याकूब, पाकिस्तान के खूबसूरत रोशनियों का शहर कराची। ये मैं इस गुरु मंदिर के एरिए में हूँ और ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, जिस तरह लाहौर में मेट्रो का ब्रिज है, इसी तरह ये ग्रीन लाइन का ब्रिज है जो कि आज से 4 या 5 साल पहले बनाया गया था। इस गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट थी वो ग्रीन लाइन को कंप्लीट नहीं कर सकी, इस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकी। और मैंने जो यहाँ लोगों से डिस्कशन किया है, पिछले 4-5 साल से ये ब्रिज बग़ैर इस्तेमाल के खड़ा है, जिस पे कौम का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है। आप नीचे ट्रैफिक देखें कि कराची की ट्रैफिक अल हफीज़ अल अमान, ठीक है। तो क्या इस ब्रिज को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता? जो लोग लॉन्ग रन में जा रहे हैं, जिन्होंने आगे निकलना है, उनके लिए ये वन वे ये ब्रिज यूज़ नहीं किया जा सकता? इस कौम को, इस हकूमत को कौन झंझोड़ेगा? क्या इस कौम को झंझोड़ने के लिए हमें हमेशा एक बड़े हादसे की ही ज़रूरत है? खुदारा आंखें खोलें, इस कौम का टैक्स का पैसा, अरबों का पैसा जिसके आप निगेबान हैं, ये भी करप्शन में आता है और आपको इसके भी जवाबदेह है, ठीक है। इस पर तवज्जो दें, इसको खोलें ताकि आवाम को किसी ना किसी कैपेसिटी में, अगर आप इससे हल नहीं है कि ग्रीन लाइन चला सकें, तो इसको आवाम के लिए खोल दें ताकि आवाम इसको यूज़ कर सके और इससे जो जहनी कोफ्त, टेंशन और बीमारियों का शिकार हो रही है उसमें कुछ उनका अजाला हो सके। जज़ाकल्ला।